हेलो गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं व्लॉग सिर्फ फूड का। तो आज ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक मैं क्या बनाने वाली हूँ दैट आई विल गोइंग टू शो यू। और इग्नोर माय फूला हुआ फेस बिकॉज मैं अभी ही उठी हूँ एंड माय फेस इज लाइक पोटैटो राइट नाउ। आई नो मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। और काम वाले बहन नहीं आई है तो वेरी गुड, क्योंकि आज संडे है और आज बहुत सारी बारिश हुई है तो ऑफकोर्स वो नहीं आने वाले थे। आई नो दैट। तो सब कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को यानी मुझे, क्योंकि मैं ही हूँ, ये लोग तो अभी है नहीं मेरे रूममेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ टी फॉर मी। सो दुबई से ना मैं ये सब फ्लावर्स लाई थी, ये सारे फ्लावर्स वहाँ पे चाय में यूज करते हैं। काला कलर का फ्लावर, दिस इज समथिंग डिफरेंट, गुलाब लग रहा है ये। लाइक दिस आई विल यूज दिस इन टी, एक ही डालते हैं जो हर बार अलग अलग डालेंगे। इंस्टाग्राम्स की रील देख देख के मैंने बनाया हुआ चाय का मसाला भी हम इसमें डालेंगे। साइड बाय साइड मैं पोहा भी बना रही हूँ, तो उसमें पोहा डाल लिए हैं मैंने, जिसको मैं धोऊंगी और तब तक मैं पीनट्स को फ्राई कर लेती हूँ बिकॉज आई लाइक पीनट्स इन माई पोहा। चीज ना साथ ही नहीं देती जब काम होता है उसका। कैमरा से मैं शूट कर रही थी आज, लेकिन कैमरे में बैटरी लो है और दूसरी बैटरी लगाई तो वो भी लो है, तो अब मुझे यही कैमरा यूज करना पड़ेगा। दिस इज माय मोबाइल कैमरा। सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड किस चीज के लिए हूँ, जो स्नैक्स मैं बनाऊंगी ना उसके लिए। मतलब मैंने पूरा प्लान करके वो स्नैक का रेसिपी ढूंढा है एंड मैं आपको हिंट दे देती हूँ। दिस आई एम गोइंग टू यूज कॉर्निटोस नाचोस क्रिप्स, इसका मैं सी सॉल्ट वर्जन लाई हूँ एंड ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो उसके साथ क्या बनेगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो पूरा वीडियो देखिए एंड देन टेल मी हाउ इट इज एंड आई विल टेल यू कि कैसा बना है। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। बहुत ज्यादा बन चुके हैं, मैं इतने खाने नहीं वाली, जब तक पीनट्स रहेगा तब तक पोहा खाएगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। दिस इज माय रूम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Okay, by the way, I put that painting which I did here like this. This is sunrise and this is sunset. I mean, day and night. This bedsheet I have since I moved to Mumbai. This is my first bedsheet. मुंबई आते ही जो मैंने बेड, मेरा मैट्रेस था उसके लिए मैंने खरीदी थी, वही बेडशीट है। उसके बाद मैंने कई सारी खरीदी लेकिन इसमें जो कम्फर्ट है वो किसी में नहीं है। Also, I purchased this blanket which is really warm and very close to my heart. तो इसके एक साइड रेड है और दूसरे साइड ब्लू है, बहुत नाइस कलर। सो लेट्स चेंज एवरीथिंग नाउ। सो काम स्टार्ट करने से पहले हेयर मास्क कर लेते हैं, तो मैं ये सिसली वाला हेयर मास्क लगा रही हूँ जो मैंने एयरपोर्ट से लिया था। इतना अमाउंट लेती हूँ और वन बाय वन पार्टिसिपेट करके बालों में लगा देती हूँ एंड पहले रब करती हूँ इस तरह से एंड देन आई विल जस्ट पुट एंड मसाज इट ऑल ओवर इन माय हेयर। और आई गेस आधा घंटा रखना पड़ेगा, तब तक तो मेरा रूम भी साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से फटाफट लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ बालों में एंड फिर उसको बांध दो चोटी करके।
दिस इज द थिंग वी हैव टू डू टू टाइम मैनेजमेंट. गुड 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 सपना. तो कॉफ़ी के बिना तो हम फंक्शन कर नहीं सकते. तो अभी मैंने कॉफ़ी बनाई. कॉफ़ी पीते पीते ये सारा मैस मैं ठीक करने वाली हूँ. ये मैंने खुद बनाई है. ये जो बाहर से कॉफ़ी लेते हैं उसका बॉटल होता है ना, वो आदत है मेरी मम्मी से मुझे मिली है, तो वो हम रखते हैं. नाउ आई हैव दिस वन फ्रॉम आइकिया. सो बिफोर इट वॉज लाइक आधी बुक इधर थी आधी बुक इधर थी, तो मैंने सब बुक एक शेल्फ में डाल दी है. दिस ऑल बुक्स आई एम हैविंग राइट नाउ. एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे बुक खरीदने के बाद लगती है दिस इज ऑल बुक मार्क. एंड वन ऑफ द बुक मार्क हैविंग सेंट सो मैनी बुक्स सो लिटल टाइम. सो ट्रू. हियर आई एम हैविंग टू मुराकामीज. So one of the Murakami I am giving someone who is really interested into books. So for that you have to comment it down and subscribe my channel, follow my Instagram and I will give you this book. Also यहाँ पे the Forest of Enhancement नहीं है जो मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ. And good vibes, good lives is with my brother right now. So yeah, ये दो books यहाँ पे नहीं है. I hope एक दिन मैं पूरा सजाऊँ. Maybe that day will come or not, because I am also planning to buy Kindle. Let's see how it will go first, because I have to read these all books first. इसमें से मैंने ये पढ़ ली है only, ये प्रियंका चोपड़ा जोनस पढ़ ली है. बहुत इंस्पायर किया है इस बुक ने मुझे. You people have to read it if you like to inspirational books. Here मैंने ये पढ़ ली है. देन ये पढ़ ली है मैंने, ये अगन पंख विच इज़ इन गुजराती. द मीनिंग इज विंग्स ऑफ फायर विच इज़ बेस्ड ऑन अब्दुल कलाम. ये बहुत पहले सबसे पहली बुक है आई गेस ये मेरी. मेरे जीजू है उन्होंने मुझे दी थी, फिर मैंने वापस ही नहीं की. शायद ये वो ब्लॉग देख रहे हो. तो ये मेरे पास है जीजा जी, और वो अभी नहीं मिलने वाली. एंड श्रीमद भगवद गीता आई ऑलवेज कैप्ट इट विथ माई साइड टेबल ऑफ द बेडरूम. सो या दिस ऑल बुक्स आई एम हैविंग. श्रीमद भगवद गीता में से कभी कभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेती हूँ. ओह माय गॉड, सॉरी डियर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी. अमीश का बुक मैंने राम खरीदा है. उसके बाद वन बाय वन मैं सारी क्रोनोलॉजी में खरीदने वाली हूँ. बीच में मैंने ये वेनिला लाटे रख दिया है, मिनीशो से ख़रीदा था, वेरी नाइस. और अब मुझे लगता है कैंडल्स मुझे ख़रीदनी चाहिए. यहाँ पे मैंने ये सब रखा है. दिस थिंग आई परचेज फ्रॉम वन ऑफ द लोकल स्टोर फ्रॉम अहमदाबाद. रियली नाइस, इट वर्क्स लाइक दिस. गर्मियों के टाइम में बहुत काम आता है. पीछे बटन है. तीन टाइम इसका स्पीड का है. यू हैव टू पुट इट लाइक दैट, देन इफ यू पुट. और ये वाले बैटरी से चलता है, जिसका वायर मैंने इसके पीछे डाल दिया है ताकि किसी को दिखे नहीं. ये बॉक्स से मेरी एक फ्रेंड है निर्मला फ्रॉम दुबई, तो उसने मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत सारी अलग 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 एक्सपेंसिव स्किन केयर दी थी, जो उसने इसमें डाल के दी थी. सो आई कैप दिस बॉक्स हेयर फॉर द मेमरी. This is my happy place and of course it is. This is the watch. I love this simple watch. So simple, बस नंबर दिए हैं. एंड दिस इज़ माई कलेजे का टुकड़ा मार्शल. इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, मैं घर पर भी ले जाती हूँ. आई लव टू लिसन म्यूजिक फ्रॉम दिस. दिस इज़ माइकल कॉरस का बॉक्स एंड दिस इज़ जी सॉक का बॉक्स. सो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर. दिस इज़ माई वर्क डेस्क. अभी मेरा लैपटॉप नहीं है क्योंकि कंपनी के अंदर है, एंड मेरा दूसरा लैपटॉप है वो भी मेरे ऑफिस के अंदर है. अदरवाइज दिस इज़ माय वर्क डेस्क. जब भी वर्क फ्रॉम होम होता है आई एम वर्किंग फ्रॉम हेयर मोस्टली. अगर मुझे कुछ देखना होता है टीवी में तो मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ. आई रियली लव दिस प्लेस. सो यहाँ से सनलाइट आती है, तो कभी कभी मैं खोल देती हूँ. स्मॉल टाइनी वर्क प्लेस.
जाके ये बैटरी चार्ज हुई है, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। A few moments later. A few moments later. This is the day I completed the vlog. This is the next day and I have to complete the vlog here only. यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई थी बट वो मैंने गिरा दी है कहीं पे, I don't know, वो मुझे मिल भी नहीं रही है। अगर आपको पूरा आउटफिट देखना है, you can go into my Instagram and check it out. And for more such kind of video, you have to follow my Instagram, you have to subscribe my channel, you have to click that bell icon, you can share this video to your family and friends. Please bless me, please pray for me, please give your such a positive vibes. Thank you so much, love from my side. Bye bye.